गाइज़ वेलकम बैक यू ऑन चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंजल वन के फंड के बारे में। गाइज काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको एंजल वन के फंडिंग सेक्शन के बारे में पता नहीं था, तो एंजल वन ने क्या किया है, इनको बहुत ही आसान तरीके से कर दिया है ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले जो आ रहा है वो है अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, और इसमें आप लास्ट में देखोगे तो ए माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल मार्जिन लिखा हुआ है। ये जो टोटल मार्जिन की अमाउंट है इसमें से आपको यूजेड मार्जिन आपको माइनस करने का है, तो जो अमाउंट आएगा इनको हम बोलेंगे अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड। इसके बाद आप देखोगे तो नीचे हमें फ़ंड दिया गया है, ये फ़ंड होता है वो गाइस आपका खुद का फ़ंड होता है, यानी कि यहाँ पर जो अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड होता है उतने ही फ़ंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो ये आपका खुद का फ़ंड होता है। इसके बाद आपको होल्डिंग दिया हुआ है, यानी कि आपने अगर किसी शेयर को बाय किया है और इनको होल्ड किया है तो आपको होल्डिंग सेक्शन में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से एंजल वन का फंडिंग सेक्शन काम करता है। गाइस यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फैन आउट।